जरा एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली? अब जरा ये सोचिए, क्या आप अपने स्विच बोर्ड तक चलकर पंखे का स्विच ऑन कर सकते हैं? जरा ये सोचिए कि अगर आपके सामने खाने की थाली हो तो क्या आप एक भी निवाला खा सकते हैं? अब जरा ये सोचिए, क्या आप घर से निकल के बगल वाली दुकान तक जा सकते हैं? बिना आंखों के कैसे अचानक से जिंदगी अधूरी सी हो जाती है। मगर सच्चाई ये है कि हमारे देश में लाखों लोग अपना जीवन ऐसे ही काट रहे हैं, मगर उनमें से भी कई लाख ऐसे हैं जिनकी जिंदगी हम बस एक छोटी सी चीज से सुधार सकते हैं। भगवान, एक हाथ पहले लो, सही है, आंख ना ले कभी। जिंदगी हमारी तो खत्म हो गई अभी, इसलिए भगवान या तो हमको आंख दो या तो फिर हमको ऊपर उठा लो। मेरी आत्मा बहुत धन्यवाद देती है कि भगवान ऐसी आंखें हरे काऊ की बनावे, सब जैसे मुँह दिख रहा है ऐसे सक्का को दिखे। अगर आंख नहीं है तो जहान ही नहीं है, बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, घर को पे भी बोझ बन जाएगा। मैं भी ये देखता कि कुदरत ने कैसी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो जब मैं मुझे कोई ये चीज़ दे दे जिससे मैं ये देख सकूं, तो मुझसे बेहतर कोई खुश तो हो ही नहीं सकता। कौन लोग हैं जो अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं? अपने जीवन काल में हम लोग सिर्फ अपनी आंखें प्लेज कर सकते हैं और अपने आसपास अपने जो अपने मेंबर्स हैं घर के, उनको ये एक अवेयरनेस दे सकते हैं कि मरने के बाद मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हूँ। एक आई डोनेशन कार्ड और प्लेज फॉर्म आपको मिल जाता है, जिसके बाद जिसको आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और अपनी नेक्स्ट ऑफ किन को बता के रखना चाहिए कि डेथ के बाद आप प्लीज़ मेरी आंखें डोनेट कर दीजिएगा। आई डोनेशन कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं होता है। किसी को लंबे समय से चश्मा लगा होता है या शुगर की वजह से उसके पर्दे खराब होते हैं, काला मोतिया होता है, या किसी ने कैटरेक्ट ऑपरेशन भी कराया होता है, वो भी अपनी आँखें डोनेट कर सकता है। आई डोनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है ये केवल 10 से 15 मिनट की होती है। जब आपके घर में किसी की डेथ होती है, आप अपने नियरेस्ट आई बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे आसपास कौन सा आई बैंक है, तो आप टोल फ्री नंबर 1919 पे भी कॉल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको अपने नियरेस्ट आई बैंक का कॉन्टैक्ट मिल जाता है। वहाँ से वो लोग एक टीम भेजते हैं। और आजकल पूरी आँख को हम लोग नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जो पुतली का हिस्सा होता है उसी को हम लोग लेते हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है टोटल प्रोसेस में। इसके बाद आप आराम से अपने जो भी लव्ड वन जिनकी आपने आईज डोनेट करी हैं उनका क्रिमेशन प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों हमारी कंट्री में आज भी लोग आई डोनेशन के बारे में नहीं बात करते हैं या नहीं करना चाहते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वासों ने आज भी हमारी सोच को जकड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम आई डोनेट कर देंगे तो हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, या हमारा फेस डिसफिगर हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, या हम लोग अपंग जाएंगे तो हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। ये सब भ्रम है, ये सब मिथ्स हैं, और हमें इन सब से ऊपर उठना चाहिए। इनफैक्ट हमारी कंट्री हमेशा देने में बिलीव करती है। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें दान करना चाहिए, तो अंग दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप दूसरे व्यक्ति को नया जीवन दे रहे हैं। इफ वन पर्सन डोनेट्स हिज आई, देन टू पीपल गेट लाइट इन देयर लाइव्स। कपल ऑफ इयर्स बैक आई लॉस्ट माय मदर, एंड एट दैट पॉइंट इट वाज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर आवर फैमिली टू डिसाइड टू डोनेट हर आईज। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द डिसीजन वी टुक गोज अ लॉन्ग वे इन गिविंग अस प्लेजर टुडे इन रियलाइजिंग दैट इवन दो शी इज नॉट विद अस एनीमोर, टू पीपल कैन सी द वर्ल्ड थ्रू हर आईज। अपील करता हूँ हमारे यूथ से कि आप जितना अपने पेरेंट्स या अपने नोन टू या अपने रिलेटिव्स एंड इवन आप अपने आप अपने आईज प्लेज करिए। महावीर इंटरनेशनल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वो इस प्रयास में पूरा दम लगा रहे हैं एंड आई विश कि आप इसको सपोर्ट करें। मैं तो भाई साहब अपनी आँख दान देना चाहता हूँ। मैं औरों पे तो प्रेशर डालूंगा ही, लेकिन मैं स्वयं दूंगा। जब किसी ने मुझे दान में दी है तब मेरी पत्नी की रोज नहीं आई है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं दान दूँ और किसी जैसे मुझे खुशी मिली है और किसी को भी खुशी मिली। अब मेरी पत्नी अपने बच्चों की शादी देख पाएगी।